यही है कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये देश की जनता की जो निजी जानकारियां हैं उनको हासिल करने का एक नया, ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत देश की जनता पर निगरानी रखने और उसकी तमाम जानकारियां, जो निजी जानकारियां हैं, जो उसके मोबाइल फोन्स में हैं या जो उसके माध्यम से उस पर निगरानी रखने के लिए वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किस किससे मिला, ये सारी की सारी चीजें हासिल करने का ये ऐप है। आप कहते भी ना प्रधान सेवक, अपने आप को चौकीदार भी बताते हैं आप, तो आप इस देश के सेवक हैं और सेवा जिम्मेदारी से निभाइए। आपने पिछले 6 साल में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, इस देश की जनता को मूर्ख बनाया, धोखा दिया है। और आपका जो हिंदू एजेंडा है, आरएसएस का जो हिंदू एजेंडा है, ये देश की जनता की जो निजी जानकारियां हैं उनको हासिल करने का एक नया ड्रामा है, नई नौटंकी है, ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत देश की जनता पर निगरानी रखने और उसकी तमाम जानकारियां, जो निजी जानकारियां हैं, जो उसके मोबाइल फोन्स में हैं या जो उसके माध्यम से उस पर निगरानी रखने के लिए वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किस किससे मिला के, ये सारी की सारी चीजें हासिल करने का ये ऐप है। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी, ये समझते हैं कि ये देश उनकी जागीर है और वो जैसे चाहेंगे वैसे यहां करेंगे, जो उनके मन में आएगा वो करेंगे और लोग मानेंगे, और वो लोगों को गुलाम समझते। देश की जो जनता है, भारत की जो जनता है, उस भारत की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी गुलाम समझते हैं और अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनके बंधुआ मजबूर हो सब लोग। माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये देश, ये भारतवर्ष जितना आपका है उतना ही इस देश का जो प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक नागरिक का भी उतना ही है, उतना ही उसका हक इस देश में हर चीज पर है जितना आपका है। और आप इस देश के सेवक हैं। आप कहते भी ना प्रधान सेवक, अपने आप को चौकीदार भी बताते हैं आप, तो आप इस देश के सेवक हैं और सेवा जिम्मेदारी से निभाइए। आपने पिछले 6 साल में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, इस देश की जनता को मूर्ख बनाया, धोखा दिया है। और आपका जो हिंदू एजेंडा है, आरएसएस का जो हिंदू एजेंडा है, आप उसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, इसे करना बंद कीजिए। ये देश की जनता आप ही की तरह स्वतंत्र है, आप इसे गुलाम मत समझिए और ऐसा कोई काम मत कीजिए कि इस बात से देश में बेवजह की अफरा तफरी मचे। अच्छा, इन सारी चीजों का मैं जो आपकी बात है वो आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो ये ऐप है, इस आरोग्य सेतु ऐप, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, मैं समझता हूं अगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो भारत की 135 करोड़ जनता इस सवाल को पूछ रही है, और इसमें से अगर कोई नहीं पूछ रहा होगा तो जो अंध भक्त हैं, जो गुलाम हैं पूरी तरह से, जो जिनका कोई भी ईमान नैतिकता जिनकी नहीं बची है, वो अंधविश्वासी लोग, अंधभक्त लोग, वो चाहे इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो इसको माने ना माने, या उनकी हमें हां मिलाए वो अलग बात है, लेकिन क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार इस बात को बता सकेगी, आपने किस कानून के तहत इस आरोग्य सेतु ऐप को बनाया है और आप किस कानून के तहत इस आरोग्य सेतु ऐप को पूरे देश की जनता से अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं, किस कानून के तहत? यह निजता का अधिकार है, हर कोई जानता है, जो एक्सपर्ट हैं इस टेक्नोलॉजी के, जो एक्सपर्ट हैं साइबर के, जो एक्सपर्ट हैं, उन सबका कहना यह है कि यह कोरोना के लिए नहीं, ये लोगों की निजी जानकारियां हासिल करने और उनको सर्वेलेंस करने, उनकी निगरानी रखने वाला ऐप है। और इसमें वो आ रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपकी उस एक नीति की, जो नीति आपने इस कोरोना से पहले जो आंदोलन चल रहा था, CAA, NPR और NRC का, जो NRC का आपका पूरा एजेंडा है, उसके लिए जो हिंदू राष्ट्र का जो आपका एजेंडा और सपना है, उसके लिए जो आपने सब कुछ जानना चाहते थे आप, जिसके लिए आपने उसमें NPR में फॉर्म जो भराया था, उसमें 21 सूचनाएं आपने जो मांगी थी, जो लोगों की निजी इंफॉर्मेशन थी, अब आप उसके लिए ये इसी के माध्यम से आप मांग रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से वो NPR की इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं, बिल्कुल साफ है, आप कहें या ना कहें, लेकिन हकीकत यही है कि आप इसके माध्यम से NPR के लिए, जिसे आप NRC के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने की आपको जरूरत क्या है? आपको ध्यान नहीं है क्या कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में
एक जजमेंट दिया है, बड़ा डिटेल में हजारों पेज का जजमेंट है, पुत्तु स्वामी वाला जजमेंट। पुत्तु स्वामी वाले जजमेंट में निजता के अधिकार के विषय में बहुत डिटेल में कहा है, और निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट में माना है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो आप फंडामेंटल राइट की जो छीनने की बात करें, फंडामेंटल राइट को के अधिकार को खत्म करने की बात करें, क्या संविधान में आपको यह अधिकार है? नहीं। क्या किसी कानून में आपको अधिकार है? नहीं। क्या संसद ने इस बात की जो है आपको सरकार को जो इजाजत दी है? नहीं। क्या संसद ने कोई एक्ट पास किया इसके ऊपर? नहीं। क्या इसके विषय में सरकार कोई अध्यादेश लाई है? नहीं। कोई ऑर्डिनेंस लाई है? नहीं। किस कानून के तहत आप ये अपना आरोग्य बना के और सारे लोगों से, देश की पूरी जनता से इसको आप डाउनलोड करने की बात करें? किससे अधिकार से अनिवार्य बना रहे हैं? क्या आपके देश की साइबर क्राइम की जो अदालतें हैं वो सही तरीके से काम करें? अभी तो आपकी जो मेन अदालत है साइबर क्राइम की, जो नेशनल अदालत है, उसमें आपके पास में जो है जज भी नहीं है। आपका साइबर क्राइम का जो कानून है वो पूरी तरह से बेकार है। हजारों नहीं, कितने ही मुकदमे सुन रहे हैं, कहीं मुकदमे का निपटारा नहीं होता, कोई नहीं है। कितने ही लोगों की जानकारियां चली गई हैं इसमें, सारे लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं, लोगों की और सब तरह की पर्सनल जानकारियां हैं, वो सारी इसमें, वो सारे आप लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं आप? क्योंकि आपकी नियत है, सरकार की नियत है एनआरसी करने की, उसके लिए एनपीआर, क्योंकि कोरोना की वजह से वो रुक गया, तो आप इसके माध्यम से वो जानकारी लेना चाहते हैं। सरकार इस ऐप को कंपलसरी करना चाहती है, और हमने देखा है कि जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के पास मैसेज आ रहे हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें और हमें बताइए कि आपने ये करा है या नहीं करा। और इस तरीके से और भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जैसे कुछ चीजों में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे मेट्रो में सफर में दिक्कत आएगी या और कुछ चीजों में दिक्कत आ सकती है। किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी, ये सिर्फ डराने की है। इसका कोरोना का डर फैला के इस ऐप के माध्यम से डराने की कोशिश है और जबरदस्ती डाउनलोड कराने की जरूरत है। किसी स्कूल की हिम्मत नहीं है, कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं कर सकता कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें। किसी को भी इस ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो इससे आगे कहूंगा कि ये जो डराने की मेट्रो में नहीं चल पाएंगे इसकी वजह से, या स्कूलों से बच्चों को निकाल दिया जाएगा, एक भी बच्चे को कोई भी निकाल के तो देखे, कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इस ऐप के डाउनलोड ना करने के लिए, कहीं नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। सरकार फंडामेंटल राइट को छीना चाहती है, फंडामेंटल राइट पर कुठारा लगाते हैं, देश के संविधान पर कुठारा लगाते हैं, और ये इस सरकार का, इस भाजपा मोदी सरकार का षड्यंत्र है एनआरसी करने के लिए। इस एनपीआर को एनपीआर नहीं कर पाई, एनपीआर रुक गया, उसके लिए इस एक्ट के माध्यम से सारी जानकारियां सरकार देना चाहती है। सरकार तो ये किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सरकार तो ये कहती है कि इससे बीमारी का पता लगता है, कौन लोग कितने कोविड, अगर इससे बीमारी का पता लगता तो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, तुम तो टेक्नोलॉजी में कुछ हो ही नहीं। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कितने ही देश हैं जो विकसित देश हैं, जो इतने जबरदस्त हैं, वो सारे के सारे देश इस ऐप को डाउनलोड कर लेते ना, इस ऐप से ही रोक लेते, लेकिन रुका तो नहीं ना। क्या ऐप से बीमारी रुकती है? क्या तुमने पूरे ये आज 42-43 दिन हो गया तुमने लॉकडाउन कर रखा है, और तुमने देखी अपनी हालत कि जिस दिन तुमने 24 तारीख को लॉकडाउन किया 500 मरीज थे, और आज की तारीख में अकेले जो पिछले 24 घंटे में 3990 एक दिन में 24 घंटे में 3990 केस हुए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। जैसे जैसे टेस्टिंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही वैसे ये विस्फोटक स्थिति आती जा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपने ये लॉकडाउन बढ़ाया है 2 हफ्ते के लिए 17 तारीख तक, निश्चित रूप से इस लॉकडाउन को आप अगले 2 हफ्ते के लिए बढ़ाओगे, 31 मई तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जो आपकी करतूतें हैं, जो आपका ढंग नजर आ रहा है। क्योंकि जो इस बीमारी को कैसे खत्म किया जाए वो आपकी समझ के बाहर है। जो डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को, पुलिस वालों को, सफाई कर्मचारियों को, जो इस कोरोना से जो सीधे सीधे लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, फ्रंट पे हैं, उनको जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट देनी चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं, सो उनकी जगह बाकी आप नौटंकी करें। कभी आप फूल बरसाते हैं, आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और कच्छ से लेकर आसाम तक आप फ्लाई पास करते हैं, ये सब नौटंकी बंद करो और ध्यान से इसको कैसे खत्म किया जाए। और एक चीज मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस देश को जागीर समझ रखा है, इन्होंने जिस दिन से
ये देश की राजनीति में आए हैं। मैं गुजरात की राजनीति की बात नहीं कर रहा, उसको छोड़ देता हूं, लेकिन 2014 के जो इलेक्शन की चुनाव प्रक्रिया से इन्होंने जो कहना शुरू किया तब से लेकर आज तक धीरे 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 पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने इनका चरित्र सामने आ गया, इनकी कथनी और करनी का अंतर सामने आ गया। इन्होंने जो झूठ बोला है, जो बात कही वही उसका उलट किया, जो बात कही उसका उलट किया और झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। आज फिर ये आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से गुमराह करना चाहते हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, जब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं और जब तक पूरी तरह से साइबर सिक्योरिटी कंफर्म ना हो जाए, हमारा डाटा कहीं भी किसी हालत में गलत हाथों में ना चला जाए, लीक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, और बल्कि मैं इससे आगे कहूंगा कि चाहे जो कर ले सरकार, इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं करना चाहिए अंधभक्तों को छोड़कर। एक चीज और, ये जो ऐप है इसकी आउटसोर्सिंग की गई, यानी कि ये प्राइवेट हाथों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, ये प्राइवेट कंपनी है जो इसको जो ऑपरेट कर रही है, यानी हमारा जो डाटा है वो प्राइवेट हाथों में। इस देश में इतने बेईमान लोग हैं और सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं प्राइवेट, चाहे बिजनेसमैन है कुछ हो, उनकी बेईमानी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। लाखों करोड़ रुपए इस देश के हजम कर गए, हर जगह हर पर बेईमानी है, और ये हमारा जो सारा आंकड़ा लेके सारा डाटा लेके उसको किसी और को नहीं बेच देंगे, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना। लूटा है इन्होंने, जो जो अभी जो लुटेरों के माफ किए हैं 58,660 करोड़ रुपए, जो 50 स्टॉक के जो लुटेरे हैं, जो विदेशों में बैठे जिनके माफ किए हैं, जिनमें वो सारे हैं नीरव मोदी और मेहुल चौकसी वगैरह, वो सारे और जो माल्या वगैरह और बाबा रामदेव वगैरह, इन सारे के सारे जो हैं, उन सबके जो पैसे माफ किए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार किस तरह से कर रही है? तो मैं बिल्कुल सीधे सीधे कहूंगा कि चाहे जो कर ले सरकार, जितना दम हो सरकार में लगा ले सरकार, जितनी कानूनी कार्रवाई करनी है कर ले सरकार, लेकिन जब तक इस जो ऐप को पूरी सारी चीजें लोगों के सामने कंफर्म नहीं हो जाएंगी, क्लियर नहीं हो जाएंगी, पारदर्शी नहीं हो जाएंगी और प्राइवेट हाथों से निकल के पूरे सरकारी हाथों में नहीं होंगे, और इन सारे सवालों का जवाब स्वयं माननीय प्रधानमंत्री रिटर्न में नहीं दे देंगे, कानूनी बंदिशों के अनुसार नहीं दे देंगे, कानून बना के लागू नहीं करेंगे, इस ऐप को किसी को भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है और डरने की भी जरूरत नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ये बंदर घुड़ की है, गीदड़ भक्की है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना का डर दिखा के हमारी निजी इंफॉर्मेशन लेना चाहती है, जो कानून के अनुसार 2017 के पुत्र स्वामी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है उनके अनुसार निजता का हमारा अधिकार है, जिसे हम किसी भी कीमत में सरकार को नहीं दे सकते, ना देंगे हम सरकार।